हाय गाइज, मेरा नाम है पराग पाल और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 के बारे में, विच इज रिलेटेड टू द परमेबिलिटी। लेक्चर नंबर 1 में हमने बहुत सारी चीजें सीखी थी कि डार्सी लॉ तक हमने सीखा था, उसके वैलिडेशन सीखे थे, सीपेज वेलोसिटी के बारे में हमने बात की थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो देखा नहीं है तो मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे उस वीडियो को देखिए, या फिर आप मेरे वेबसाइट के ऊपर भी जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं एब्सोल्यूट परमेबिलिटी के बारे में, अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ परमेबिलिटी एंड द मेथड्स फॉर अ परमेबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात ये आती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, और इसका क्या किस प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड होता है और किस के ऊपर ये इंडिपेंडेंट होता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी हमेशा हम के से डिनोट करते हैं। ओके, इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय के, क्लियर। लेकिन इसमें आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि ये प्रॉपर्टी द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी कभी भी प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इट नेवर डिपेंड ऑन अ प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, बट इट डिपेंड अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल। ये आपका जो सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल। ओके, नाउ अभी मैं आपको इसका मीनिंग बताना चाहूंगा। अगर मान के चलो आपके पास एक सॉइल सैंपल है, उस सॉइल सैंपल में जो आपके सॉइल मटेरियल पार्टिकल्स है, ठीक है, उसमें जो पोर्स है, दैट पोर्स ऑलो द फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये जो फ्लो ऑफ वाटर है इसका मतलब क्या कि यस, दैट पर्टिकुलर सॉइल पार्टिकल्स ऑलो द वाटर टू फ्लो फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड, और एनी काइंड ऑफ लिक्विड फ्लो फ्रॉम द वन साइड टू द अदर साइड। ओके, दिस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल इट परमिट द फ्लो ऑफ द परमेबिलिटी। ओके, द परमेबिलिटी मतलब होता है क्या, द ऑल द एनी पर्टिकुलर मैटर और एनी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल ऑल द फ्लो ऑफ एनी काइंड ऑफ लिक्विड थ्रू इट। ओके, तो इसमें क्या होता है कि ये जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होता है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं करता है, बट ये डिपेंड करता है आपके सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, उसमें कितने पोर्स पार्टिकल है, उसमें कितना वॉइड रेशियो है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। नाउ अभी हम बात करेंगे एब्सोल्यूट परमेबिलिटी के बारे में। तो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी तो रिप्रेजेंट किया जाता है के नॉट से। ठीक है, कि एब्सोल्यूट परमेबिलिटी जो होता है ये हमेशा हम के नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम इसके यूनिट्स है, जैसे हम इसको एमएम स्क्वायर में रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर स्क्वायर डार्सी में रिप्रेजेंट करते हैं। सब लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन डार्सी इन सेंटीमीटर स्क्वायर, और व्हाट इज द कन्वर्जन ऑफ वन डार्सी इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों, मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि वन डार्सी इक्वल्स टू 0.987 इंटू 10⁻¹ सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो अगर अभी तक आपने इसको नोट डाउन नहीं किया है तो प्लीज इसको नोट डाउन करके रखिए, बिकॉज ये चीजें आपको यूट्यूब पे बहुत कम मिलेगी। ओके, ना उसके बाद अभी हम बात करेंगे एब्सोल्यूट परमेबिलिटी के बारे में। एब्सोल्यूट परमेबिलिटी में अगर आपको निकालना है तो उसका फार्मूला होता है कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इनटू द विस्कोसिटी अपॉन यूनिट वेट। ठीक है, म्यू इज नथिंग बट विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी ऑफ परकोलेटिंग फ्लूइड। ओके, ऑफ परकोलेटिंग, ओके, परकोलेटिंग फ्लूइड। यहाँ पे हमने उसको एम से रिप्रेजेंट किया है, बहुत सारे बुक्स में इसको एम से भी रिप्रेजेंट करता है या फिर म्यू से भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके बाद के जो होता है, के इज नथिंग बट व्हाट, के यहाँ पे जो रहता है दैट इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। ओके, एंड गामा डब्ल्यू इज नथिंग बट द यूनिट वेट ऑफ परकुलेटिंग फ्लूड। क्लियर। नाउ अभी इसमें एक जनरल एक्सप्रेशन है जिससे आप कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल निकाल सकते हैं। अगर आपको ये पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए आपके पास एक फैक्टर होता है, दैट फैक्टर इज नथिंग बट कॉल्ड एज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। वो ऐसा होता है C into C मतलब होता है शेप कॉन्स्टेंट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सॉइल, शेप ऑफ द सॉइल पार्टिकल एंड पैकिंग। जो भी आपका सॉइल पार्टिकल है उसका शेप जो होता है, उसका डायमेंशन जो होता है, दैट डायमेंशन इज नथिंग कॉल्ड एज अ C। उसके बाद D होता है इफेक्टिव ग्रेन साइज, आपका इफेक्टिव ग्रेन साइज कितना है। ओके, दैट 10% डी 10 मतलब क्या होता है कि 10% ऑफ मटेरियल विच इज रिटेन ऑन द सीव पार्टिकल आफ्टर सीविंग, उसको बोलते हैं डी 10। D15 मतलब होता है कि 50% आपकी जो मटेरियल है वो रिटेन कर गए आपके सीव के ऊपर। ओके, इसका मतलब होता है D10।
D50, ओके। तो यहाँ पे हम डी स्क्वायर करेंगे, मतलब इफेक्टिव ग्रेन साइज जो भी रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे, इनटू यूनिट वेट डिवाइडेड बाय द विस्कोसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉइड रेशियो का क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस वॉइड रेशियो, ओके। तो ये पर्टिकुलर जनरल एक्सप्रेशन जो होता है ये आपको प्रोवाइड करता है कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। तो अगर आपके एग्जाम में आपको पूछा कि आइडेंटिफाई द एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, तो आपका सबसे पहला काम ये रहेगा कि आपको निकालना पड़ेगा परमेबिलिटी, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी आपको निकालना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी एब्सोल्यूट परमेबिलिटी निकाल पाओगे, क्लियर ना। उसके बाद हम बैक बात करेंगे, जो हमारा मेन इंपॉर्टेंस था आज के वीडियो में वो है कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द परमेबिलिटी, कि परमेबिलिटी के ऊपर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो होता है आपका पार्टिकल साइज, ठीक है। जो पार्टिकल साइज होता है, ये पार्टिकल साइज ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इट अफेक्ट्स टू द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। कैसे? अगर आप इस एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव साइज, इफेक्टिव ग्रेन साइज ऑफ द मटेरियल, ओके। जितना इफेक्टिव ग्रेन साइज आपका बढ़ेगा, ओके, उतना आपका परमेबिलिटी बढ़ेगी, क्लियर। क्योंकि क्या होता है, जैसे जैसे साइज आपका मटेरियल का साइज बढ़ता है, ओके, तो उनके बीच की गैपिंग के वजह से, उनकी बॉन्डिंग के वजह से या उनकी पैकिंग के वजह से उसमें पोर्स बढ़ जाते हैं, उनके वॉइड रेशियो बढ़ जाता है। दैट वॉइड रेशियो ऑलो द फ्लो ऑफ एनी काइंड ऑफ लिक्विड, ओके। दैट्स व्हाई द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव ग्रेन साइज, ठीक है। तो इसलिए स्टेट इन्होंने यहाँ पे बोला है दैट के इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ द पार्टिकल साइज, ठीक है ना। आफ्टर दैट शेप ऑफ पार्टिकल, यस डेफिनेटली परमेबिलिटी हमेशा शेप ऑफ पार्टिकल के ऊपर लेके बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि अगर आपका शेप ऑफ पार्टिकल, इफ योर शेप ऑफ पार्टिकल इज वेरी बिग, ओके, इफ द वॉइड रेशियो इज वेरी हाई, देन डेफिनेटली कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी उसमें ज्यादा रहेगा। तो इन्होंने यहाँ पे यही बोला है, फॉर द सेम वॉइड रेशियो द सॉइल विथ एंगुलर पार्टिकल्स आर लेस परमिएबल देन दोज विथ राउंडेड पार्टिकल एज द परमेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक सर्फेस। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका पार्टिकल अगर ट्रायंगुलर है या फिर सर्कुलर है, तो उससे क्या होगा, अगर ट्रायंगुलर है तो उसमें वॉइड रेशियो थोड़े कम फील होगे, बिकॉज उसका जो शेप फैक्टर, उसका जो शेप है, इट ऑलो टू फिट इन रिफरेंट इरेगुलर मैनर, ठीक है। वो उसको इरेगुलर मैनर में फिक्स करेगा, पैकिंग करेगा, जिसके वजह से एंगुलर मटेरियल यूज करने के वजह से आपके मटेरियल में कम वॉइड्स या कम पोरोसिटी आपको कम वॉइड आपको दिखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं स्क्वायर पार्टिकल के बारे में बात करूं, अगर आपका मटेरियल स्क्वायर है तो उस सॉरी सर्कुलर लाइक स्क्वायर है उस या फिर राउंडेड है, उससे क्या होगा कि आपके पूरे सॉइल की जो कैरेक्टरिस्टिक होगी, इट ऑल द फ्लो ऑफ वाटर, बिकॉज उसमें वॉइड्स क्या होगा, थोड़ा ज्यादा होगा। उसके बाद वॉइड रेशियो, आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होता है, इट ऑलवेज वेरीज एज ई क्यूब अपॉन 1 प्लस ई, बट द सॉइल विद द लार्जेस्ट वॉइड रेशियो आर द लार्जेस्ट परवियस। अगर आपके इसमें बहुत ज्यादा वॉइड रेशियो है तो आपकी सॉइल परवियस सॉइल कई मतलब वो सॉइल आपकी परवियस सॉइल हो जाएगी व्यू, बिकॉज उसमें से मैक्सिमम वाटर फ्लो होगा या मैक्सिमम लिक्विड फ्लो होगा, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द इंडिविजुअल वॉइड पैसेज इन क्ले एंड एक्सट्रीमली स्मॉल थ्रू विच वाटर कैनॉट फ्लो, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप जितने ज्यादा वॉइड रेशो रहेंगे उतना ज्यादा मटेरियल फ्लो होगा, लेकिन अगर आपका मटेरियल क्ले है, ओके, तो उसमें से आपका पार्टिकल उस पर्टिकुलर रेट में फ्लो नहीं हो पाएगा। Now, what are the properties of water? Okay? मतलब आपका जो परमेबिलिटी है वो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर के ऊपर भी अफेक्ट करता है। ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन देर इज अ लार्ज वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। डेफिनेटली अगर आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है तो आपकी किसी भी मटेरियल की विस्कोसिटी में चेंजेस आते हैं, ओके, जिसको हम यम और म्यू कहेंगे ना। उसके बाद द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू रिडक्शन इन विस्कोसिटी। यस, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता है आपके किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जैसे हमने पहले भी फार्मूला देखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपका विस्कोसिटी की अगर आपकी विस्कोसिटी कम हो जाती है, इसका मतलब आपकी परमेबिलिटी या आपकी एब्सोल्यूट परमेबिलिटी डायरेक्टली अफेक्ट होगी, ओके, डायरेक्टली कम होगी। एज पर द आईएस कोड 2720
द क्वेश्चन ऑफ परमेबिलिटी इज टू बी रिपोर्टेड एट 27 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको क्वेश्चन ऑफ डिग्री, क्वेश्चन ऑफ परमेबिलिटी का अगर कैलकुलेट भी करना है तो आपको उसको 27 डिग्री सेल्सियस पे रिपोर्ट करना चाहिए। ओके, ये आपको आईएस कोड 2720 बताता है। अगर आपको के मदर के को मेजर करना है, ओके, तो आप किस तरीके से मेजर कर सकते हो? ओके, के 27 मतलब होता क्या है? के 27 मतलब कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी एट 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, व्हेन द विस्कोसिटी इज यू 27, जब आपकी विस्कोसिटी भी कितनी रहेगी उतनी, ठीक है। उसके बाद के टी मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी एट टी डिग्री सेल्सियस व्हेन द विस्कोसिटी इज यू टी। ओके, तो आपका फार्मूला यहाँ पे रहेगा कि K27 इक्वल्स टू, ओके, जितना भी आपका कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी आ रहा है पर्टिकुलर टेम्परेचर में वो आपको निकालना पड़ेगा। ओके, आपको कितना विस्कोसिटी है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो भी आपको निकालना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय द विस्कोसिटी एट 27 डिग्री सेल्सियस कितनी है वो निकालने पड़ेंगे। जैसे मान के चलो कि आप कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकालने जा रहा हो 30 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये फार्मूला कैसे होगा? K27 इक्वल्स टू K30 डिवाइडेड बाय विस्कोसिटी एट 30 डिग्री, ओके, डिवाइडेड बाय विस्कोसिटी एट 27 डिग्री। तो इसका यूज करके आप K को मेजर कर सकते हैं। ओके, ना उसके बाद द डिग्री ऑफ सेचुरेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो आपके फैक्टर्स परमेबिलिटी को अफेक्ट करता है। द परमेबिलिटी ऑफ पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल इज कंसिडर्ड स्मॉलर दैन दैट ऑफ द फुली सेचुरेटेड सॉइल ड्यू टू द प्रेशर ऑफ एयर विच क्रॉस ब्लॉकेज ऑफ पैसेज। ठीक है, इन्होंने ऐसा बोला है कि जो परमेबिलिटी होती है पार्शियल सेचुरेटेड सॉइल की, ये स्मॉलर रहती है। मतलब आपका अगर सॉइल पार्शियली सेचुरेटेड है, मतलब उसमें से कुछ थोड़ी थोड़े ही वाटर जा रहा है, तो वो उसमें से आपकी जो कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होती है वो हम स्मॉलर कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर आपकी सॉइल फुल्ली सेचुरेटेड है, मतलब उसमें से फुल वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, ओके, तो उसमें से क्या होता है, उसमें अगर आपका फुल वाटर फ्लो हो रहा है तो उससे क्या होता है कि कई कई पे ड्यू टू एयर आपका वाटर फ्लो होने का कैपेसिटी बंद कर सकते हैं ड्यू टू द वाटर लॉगिंग। ओके, मतलब आपका वाटर फ्लो होने की जो प्रोसेस है वो बंद भी हो सकती है, ओके, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर। नाउ एब्जॉर्ब वाटर, अभी एब्जॉर्ब वाटर किस तरीके से परमेबिलिटी को अफेक्ट करता है? इट रिड्यूस द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल एज इट कॉज एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर टू इन द पोर्स। अगर मान लो कि आपके पास एक मटेरियल है, ठीक है, और ये मटेरियल ने ऑलरेडी वाटर को गेन कर लिया। एब्जॉर्ब वाटर मतलब क्या कि ऑलरेडी ये जो पर्टिकुलर मटेरियल है यहाँ पे ऑलरेडी वाटर का प्रेजेंस अवेलेबल है पोर्स में। तो अगर इसमें से परमेबिलिटी आपको, ये परमेबिलिटी की प्रॉपर्टी अगर आइडेंटिफाई करना है तो ये वाटर इसमें से फ्लो नहीं होगा। क्यों? बिकॉज इस पर्टिकुलर मटेरियल ने, इस पर्टिकुलर सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स ने उस वाटर को ऑलरेडी कैप्चर करके अपने पास रख दिया है, ओके, उनके बैंक में ऑलरेडी वो डिपॉजिट हो गया है, तो उसमें से वाटर फ्लो नहीं होगा। तो इसके वजह से ये पर्टिकुलर वाटर वहीं पे स्टक हो जाएगा, मतलब आपके वाटर के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्शंस आएगा। तो परमेबिलिटी को अगर अफेक्ट करता है तो एब्जॉर्ब वाटर सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है। अगर आपके वाटर में ऑलरेडी वाटर का प्रेजेंस अवेलेबल है, इसका मतलब आपके इस पर्टिकुलर वाटर में से वो वाटर फ्लो नहीं होगा, अनदर वाटर फ्लो नहीं होगा, ये और एनी काइंड ऑफ लिक्विड फ्लो नहीं होगा, ठीक है। नाउ इम्प्यूरिटीज इन वाटर, डेफिनेटली इट रिड्यूस द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। देखो, हमारे वाटर में, जैसे हमारा वाटर में बहुत सारी इम्प्यूरिटीज रहती है, ओके, वो क्या करती है, पोर्स को बंद कर देती है। जैसे मान लो अभी ये आपका एक मटेरियल है, ठीक है, इसमें से यहाँ पे पोर्स है, तो अगर आपकी जो वाटर है, ठीक है, वो इसमें से फ्लो हो रहा है और वो कुछ इम्प्योरिटी कैरी कर रहा है, तो अगर वो इम्प्योरिटी यहाँ पे रह गई, तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है, इस पर्टिकुलर जगह पे आपकी परमेबिलिटी जो है, ओके, वो रिड्यूस हो जाएगी, इस पर्टिकुलर जगह पे लॉक हो जाएगा आपका वाटर फ्लो, क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी किसी एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछते हैं, ठीक है, तो आपका आंसर रहना चाहिए द फैक्टर विच अफेक्ट द परमेबिलिटी, दीज आर पार्टिकल साइज, शेप ऑफ फैक्टर, वॉइड रेशियो, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, एब्जॉर्ब वाटर एंड इम्प्योरिटीज इन वाटर, ठीक है ना। उसके बाद अभी हम देखेंगे व्हाट आर द मेथड्स ऑफ द डिटरमिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन सी मेथड्स है, तो देखिए, सबसे पहली मेथड होती है एक लैबोरेटरी मेथड, सेकंड होती है फील्ड मेथड, थर्ड है इनडायरेक्ट मेथड, एंड फोर्थ वन इज अ कैपिलरी
परमेबिलिटी टेस्ट। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इन दोनों टेस्ट के बारे में आपको बेसिक बताऊंगा, जो कि है कॉन्स्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट एंड वेरिएबल हेड परमेबिलिटी। तो अभी हम देखेंगे डिफरेंट मेथड्स जिसके वजह से हम कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली मेथड्स है कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी टेस्ट। ये टेस्ट हम यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ वन इंस्ट्रूमेंट। इसके लिए हम इंस्ट्रूमेंट टेस्ट का यूज करते हैं जिसका नाम है कॉन्स्टेंट हेड परमीमीटर। ओके, ये जो टेस्ट है ये सुटेबल होती है क्लीनिंग सैंड के लिए एंड ग्रेवल के लिए, जिसमें आपका कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी 10^-2 से कम होता है, सॉरी ज्यादा होता है mm/s। मतलब जहां पे कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी अगर 10^-2 mm/s से अगर ज्यादा होता है, उस पर्टिकुलर जगह पे कॉन्स्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट यूज की जाती है। ठीक है, ये टेस्ट अगर आपको यूज करना है तो इसका एक फार्मूला है जो कि दिया है यहाँ पे K=Q/I×A। ओके, ये पर्टिकुलर फार्मूला दिया है जिसका यूज करके आप इस टेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान में रखना है जो क्यू जो होता है, जस्ट क्यू इज नथिंग बट इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड डिवाइडेड बाय टाइम। जितना आपका वॉल्यूम कलेक्ट किया गया है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो यहाँ पे बोला गया है, दैट इज नोन एज अ क्यू। अगर आपको क्यू निकालना है तो उसका फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी हाइड्रोलिक लाइक ग्रेडियंट इंटू एरिया। ओके, लाइक क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्पेसिमन। राइट, नाउ अभी दूसरी टेस्ट है जो कि वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट। अगर आपको इस टेस्ट से कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहली बात यह है कि दिस टेस्ट इज सुटेबल फॉर वेरी फाइन सैंड एंड सिल्ट। ओके, जिसमें के की वैल्यू 10^-2 से लेके 10^-5 mm/s होती है, उस पर्टिकुलर कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के लिए ये पर्टिकुलर टेस्ट यूज की जाती है। द इंस्ट्रूमेंट यूज आर नोन एज अ परमीमीटर्स, और ये टेस्ट का फॉर्मूला है विच इज इक्वल टू A×L डिवाइडेड बाई A×T log E H1/S2। तो इसमें A होता है एरिया ऑफ स्टैंड पाइप, ओके, कैपिटल A होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सॉइल स्पेसिमन, L होता है आपका लेंथ ऑफ सॉइल स्पेसिमन, और T होता है टाइम इंटरवल, और H1 और H2 क्या होता है, दोनों जो स्पेसिमन होते हैं उनके बीच का हाइट डिफरेंस होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये दो मेथड्स होते हैं जो यूज की जाती है टू आइडेंटिफाई द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। नाउ अभी हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फील्ड मेथड्स, इनडायरेक्ट मेथड और कैपिलरिटी मेथड्स। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय।